हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आता है डेफिनेशन फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की। डेफिनेशन के बाद हमारे इसमें आती है इसकी क्लिनिकल फीचर्स या वो सॉरी क्लासिफिकेशन। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप के होते हैं, अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबियाज, अदर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। उसके बाद इसके टाइप्स आते हैं, सिंपल फोबिया मेनली तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, सोशल एंड अगोराफोबिया। अदर टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो तीन हैं ये मेन होते हैं। ठीक है, ये तीन क्या होते हैं, मेन होते हैं, साथ में इनके साइन एंड सिम्टम्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया के ये जो साइन सिम्टम्स है, यानी कि यदि किसी पेशेंट को सोशल फोबिया तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, ये है अगोराफोबिया। उसके बाद इसकी हमारी आती है साइन एंड सिम्टम्स किसके, अगोराफोबिया के। उसके बाद इसकी ईटियोलॉजी आती है, ये हमारी फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की ईटियोलॉजी है। उसके बाद इसका कोर्स आता है, ये क्या होता है, यूजुअली क्रोनिक होता है, यानी कि लंबे टाइम तक होता है, और ये मुख्यतः किस में देखा जाता है, वुमेन्स में ये देखा जाता है। उसके बाद ये डायग्नोसिस आता है इसका, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट आता है। और ये हम पेशेंट को क्या है, अलग अलग थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ही हमारा आता है इसके टाइप्स के, थेरेपीज के ही टाइप है, जैसे हम एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। उसके बाद इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक था वो था फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।